ब्रज 84 कोस में है गोवर्धन भगवान का परम धाम। गोवर्धन धाम में पर्वत स्वरूप में गोवर्धन भगवान 21 किलोमीटर में विराजमान है। कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन धाम में लाखों भक्त दर्शन अभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा कराकर लोगों को प्रकृति पूजा का संदेश दिया था। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसमें उन्होंने स्वयं का पूजन स्वयं किया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपना स्वरूप गोवर्धन भगवान को प्रदान किया था और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन भगवान का पूजन किया, 56 भोग लगाकर अन्नकूट महोत्सव मनाया। यही वजह है आज भी दीपावली पर्व के अगले दिन गोवर्धन पूजा का महापर्व मनाया जाता है। गोवर्धन भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसका पूजन इसलिए किया जाता है कि इंद्र का पूजन होने से एक बार इंद्र को घमंड हो गया था। इंद्र को यह घमंड हो गया था कि हम ही भगवान हैं, अपने को भगवान समझने लगा था। तो कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता, श्रीमद् भागवत में आता है कि शक्र के दर्प को, इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को बुला करके और समस्त ब्रजवासियों को बुला करके इंद्र की पूजा का बहिष्कार कर दिया और गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव रखा। तो उसके बाद गोवर्धन की पूजा का विधान ये है कि 56 भोग सामग्री बना करके गोवर्धन गिरिराज के पास ले गए, गंगा जल से पाद प्रक्षालन किया मानसी गंगा को प्रकट करके, और इसके बाद में जो है उनको 56 भोग लगाया। खोड़सोपचार पूजन का विधान जो हमारे वेदों में है उसी तरह से गिरिराज जी का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में गोवर्धन पर्वत के प्रकट होने की विशेष कथा मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक जब भगवान कृष्ण ने राधा जी से ब्रज में प्रकट होने की बात कही तो राधा जी ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा जहाँ गोवर्धन पर्वत हो, जहाँ तुलसी का वन हो और जहाँ यमुना जी का तट हो, वहीं हम प्रकट होंगे। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हृदय से प्रकट किया था और अपना स्वरूप प्रदान किया था। ये जिस समय ब्रह्मादिक देवता गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए गए कि हे प्रभु अवतार लेकर के इस धरा धाम का भार हरण करो, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राणवल्लभा राधे से कहा कि हे राधे आप भी पृथ्वी लोक पर चलो। तो राधे ने कहा कि जहाँ 3 चीजें नहीं होती हैं वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ, वहाँ मेरे मन को प्रसन्नता नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन सी चीजें, बोले यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र न यत्र गोवर्धनो गिरि तत्र मेन मनः सुखम, कि जहाँ पर गोवर्धन पर्वत नहीं होगा, जहाँ पर यमुना नदी नहीं होगी, जहाँ पर वृंदावन नहीं होगा, वहाँ मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। तब राधा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम से दिव्य 84 कोस की भूमि को इस ब्रजमंडल में उतारा जिसमें गिरिराज पर्वत और यमुना नदी और वृंदावन आता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन धाम में परिक्रमा करने के लिए लाखों भक्त पहुंचते हैं। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं, कुछ भक्त दंडवती परिक्रमा भी करते हैं, इसके साथ ही भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन भगवान का दूध से अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। भक्तों का मानना है कि गोवर्धन भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन, क्योंकि हमारा परम सौभाग्य, कोई हमने पुराने ऐसे तप किए होंगे जो कि दुनिया विदेशों से यहाँ पे दर्शन के लिए आती है, जिस रज में अपने मस्तक पर रज लगाने के लिए हमको उस मिट्टी और उस रज पे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और गोवर्धन पूजा के दिन तो यहाँ माहौल, मैं तो कहता हूँ कि लगभग रोजाना दिन गोवर्धन पूजा का सा माहौल रहता है, और गोवर्धन पूजा वाले दिन तो हर गाँव में और हर घर में गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है, गिरिराज जी महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है, और पूरा परिवार और पूरा गांव और पूरा कुटुंब जुड़ के बड़े धूमधाम से पटाखों के साथ एवं लट्ठों के साथ और जोर जोर से गा के गांव में ये पता हो जाता है कि आज फलाने मोहल्ला में या फलाने परिवार की गोवर्धन पूजा हो रही है। इतना माहौल है कि उस माहौल का बखान देवता भी नहीं कर सकते। तो हम तो एक तुच्छ प्राणी, यहाँ ईश्वर ने कृपा की और अपनी यहाँ क्रीड़ा स्थली में हमको जन्म दिया।
यूं तो हर समय गोवर्धन धाम में भक्तों का तांता लगा रहता है, कलयुग में गोवर्धन भगवान की पूजा को सबसे ज्यादा कल्याणकारी बताया गया है। यही वजह है पूरे साल भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। आप भी कभी ब्रज धाम की यात्रा करें तो गोवर्धन भगवान का दर्शन और उनकी परिक्रमा अवश्य करें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति।